अच्छा चिराग मैं चलती हूँ। आप एक बात तो बताओ यार, मैं पूरे दिन घर का सारा काम करता हूँ, तुम एक नौकर के लिए बोल रही थी, वो नौकर का क्या हुआ आपका? अरे बेबी आप क्यों टेंशन ले रहे हो इतना, हो सकता है नौकर आज आ जाए, मैंने उससे बात भी की थी, वो बोल रहा था आ जाने के लिए। चलो ठीक है मैं चलती हूँ। अरे बेटी ने तो भागकर शादी की थी, चलकर आज देखता हूँ किस हाल में रहती है। आ गया तू? तुझे 8 दिन से फोन कर रहे हैं भाई नौकर नौकर, कसम से कल कहां था तू? तुम्हें काम करना नहीं करना? अगर तुम्हें काम नहीं करना तो अपने घर में टकरो। बाबूजी मेरी बात तो सुनो, 12 बजे तो तू नाक पर दीवा धड़काया, अब तेरी बात सुन। अरे काम कद को करेगा इधर, मुंह को उठाओ खड़ा यहां से, इनको मेरी बात सुनो, तेरी क्या बात सुनूं मैं? एक मिनट तो सुनो। अरे क्या सुनो एक मिनट, मैंने कहा चुपका मैं बर्तन धरे वहां से, मैं झाड़ू पोछा कर ले, आगे तेरे दिमाग में बात सुना, बात लाट साफ हो रहा ऐसा खड़ा कड़ा कड़ा यहां से। अबे तुम नौकर हो क्या? हो तुम क्या हो तुम? मैंने पूछा क्या हो तुम, तोप हो तुम क्या हो? खड़ा क्यों यहां से, अंदर जाओ तो काम जो कर ले, देख कैसा चलना, देख। मैंने कह रहा मैं बर्तन रखे हुए, हाँ उसमें बर्तनों को धो ले जाके चल। अरे आ गए तुम? हाय चिराग। हाय। आओ अंदर आओ। अरे चिराग ये आपने नया नौकर रखा है क्या? अरे हाँ ये आज ही मैडम ने रखा, लेकिन साला काम ही नहीं करता, देखा तो फिर रहा गले में गमछा घेरा तो फिर रहा, अपने को शत्रुघ्न सिन्हा मान रहा, पता नहीं क्या आदि मार। अरे झाड़ू लगा ले चल। अरे अब क्या खड़ा है यहाँ से, जाके मैं बर्तन धो ले, नू भी देख ले घर में कोई आया कुछ पानी बात लिया, देख देख चलना देख 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 अंदाज देख इसका। अरे जा। अरे यार इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया सुबह से। हाँ यार चिराग मैं तुमसे मिलने आई हूँ, आप उस पर गुस्सा कर रहे हो। कोई नहीं बाबू तुम कूल महसूस करो, कंफर्ट फील करो। कहाँ से कंफर्ट फील करूँ, आप करा रहे हो जब देखो उसी पे गुस्सा कर रहे हो। सॉरी बाबू। अरे ये दामाद है यार। चिराग एक बात तो बताओ, कहीं तुम्हारी वाइफ आ गई तो? अरे बेबी वाइफ कहाँ से आएगी, वाइफ 6 बजे तो ऑफिस में से निकलती है, घर पहुंचेगी 8 बजे, तू चिंता क्यों कर रही, पूरे दिन मस्ती करेंगे। और एक बात और, ये नौकर भेज ही दिया उसने आज, कहाँ से भेजा, लेकिन जैसा भी है काम तो कर ही रहा है या नहीं, हमें क्या दिक्कत है? चिराग एक प्रॉब्लम हो गई यार। अरे बाबू क्या प्रॉब्लम हो गई, जब तक मैं हूँ तुझे क्या की टेंशन है, बात बता क्या है? वो एक्चुअली मेरी जॉब चली गई है ना, तो मेरे पास अभी कोई काम भी नहीं है, और मैं ऐसे कब तक फिरती रहूंगी यार। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपना खुद का पार्लर कर लूँ, और उसके लिए ना चिराग मुझे 5 लाख रुपये से रहता है। अरे बाबू तू क्यों घबराई, शाम को मेरी मैडम आएगी और मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा, और मेरी मैडम तो मेरे प्यार में पागल है, मैं उसको बोल दूंगा कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, और मैं ना 1-2 दिन में तुझे लेके दे दूंगा, तू क्यों चिंता कर रही? थैंक यू चिराग मुझे समझने के लिए। अच्छा ठीक है चिराग अब मैं चलती हूँ, क्योंकि आज मेरा मस्ती करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, फिर कभी करते हैं। यार रुक जाओ ना थोड़ी देर। अरे नहीं नहीं चिराग लाओ मेरा फोन तो दे दो। ठीक है बाय चिराग। अरे आ गए? चलो। पापा चलो क्या हुआ? कुछ नहीं चिराग, यही नौकर है जो सुबह आया था। अरे हाँ बाबू यही तो वो नौकर है जो तुमने सुबह भेजा, और ये नौकर तोड़ेगी तो काम चोर है, इससे बढ़िया तो हम ही ठीक है, हम खुद कर लेंगे इतना काम जितना है करता है। चलो खैर कोई नहीं, तुम चलो कपड़े चेंज करो। सिल्की। हाँ जी। यार समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से कहूँ। क्यों क्या हुआ कहो। अरे यार मैं कुछ काम धाम भी नहीं करता, मैं पूरे दिन इधर उधर फिरता रहता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ काम कर लूँ, तो आप मुझे 5 या 10 लाख रुपए दे दो तो मैं कुछ काम कर लूँगा, मैं पूरे दिन घर पे ही रहता हूँ। ओहो चिराग क्यों टेंशन ले रहे हो, चाबी यहीं पर रख कर चली जाऊंगी, अलमारी में रखे हैं, पैसे ले लेना आप। सिल्की यार कितनी अच्छी हो तुम। कोई बात नहीं चिराग, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मैं भी तुम्हारी हूँ, और ये सब कुछ भी तुम्हारा है, जितने पैसे की तुम्हें जरूरत हो ले लेना, अलमारी में रखे हैं। फिर आ जाता झाड़ू को उठा के यहीं से। अरे हमारे सिर पर फेरेगा कैसे?
यार क्या आदमी पकड़ा था ना, देखो तो खड़ा देख देख भाई, इसने भी सिर में ही दर्द कर दिया। मेरी बात सुनो बेटा। हाँ पापा बताओ क्या बात हो गई। रामबाग ने तुमसे 5 लाख रुपए भी मांगे होंगे। हाँ पापा, उन्हें कुछ काम करना है, कुछ बिजनेस वगैरह करना है, उनको जरूरत है पैसों की। लेकिन एक बात तो बताओ, आपको कैसे पता? सुनो बेटा, मैंने आंखों से भी देखा है और कानों से भी सुना है। जब तुम यहाँ थी नहीं और मैं आया था, मेरे आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड आई थी, गर्लफ्रेंड, दोनों ने मौज मस्ती की, रंगरेलिया मनाई। और बेटा ये 5 लाख रुपए दामाद तुमसे लेके अपनी गर्लफ्रेंड को देगा। पापा इतना बड़ा धोखा, मैंने आपसे ऊपर होकर चिराग से शादी की और वो मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं पापा, आप अपना ध्यान रखना। अच्छा चिराग मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है बेबी। ठीक हेलो, अरे कहाँ हो दिव्या? चलो ठीक आओ, मैडम चले गए, मैंने ना आपके 5 लाख रुपए भी लेकर रख लिए। चलो ठीक है जल्दी आओ। हाय दिव्या। हेलो चिराग। हाय बैठो। अच्छा चिराग, मैंने जो आपको 5 लाख रुपए के लिए बोला था वो काम हो गया? हाँ हाँ बाबू हो गया। ऐसा हो सकता है कभी कि तू मुझे किसी काम को कहे और वो काम ना हो? मैडम को रात ही मस्का लगा के पैर तलक दबाए मैंने उसके तेरे चक्कर में, तो 2 मिनट रुक मैं लाके देता हूँ। ठीक है चिराग। लो बेबी आपके पूरे 5 लाख रुपए। थैंक यू चिराग। अरे चिराग ये क्या तुमने नौकर रखा है, जब देखो सर पे खड़ा रहता है, मुझे तो समझ नहीं आता इसका, जब देखो कभी पोछा लगा रहा है कभी झाड़ू लगा रहा है। हाँ भाई हमारे सिर पर खड़ा हो जा। चिराग तुम इसको 2 थप्पड़ नहीं लगा सकते क्या? इसका अगर एक भी मार दिया ना ये मर और जाएगा। तुमसे नहीं होगा ये काम, मैं ही करूंगी इसको। तू हमारे सर पर खड़ा होकर काम करेगा ना? तेरा ना तुम यहाँ कैसे? बेटी तुम? हाँ पापा मैं। पापा पापा? हाँ पापा, ये मेरे पापा हैं, जिसको तुमने 4 दिन से नौकर समझ के घर में रख रखा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में ना मुझे पापा ने कल ही बता दिया था, और तुम इस 2 कौड़ी की लड़की से मेरे पापा पे हाथ उठवा रहे हो और बैठे बैठे देख रहे हो तमाशा। और तू चल ठीक है तुझे ये नहीं पता ये मेरे पापा है, लेकिन तुझे इतनी शर्म तो होनी चाहिए, इतनी तमीज तो होनी चाहिए तुझे कि वो तुझसे बड़े हैं उम्र में। और तुम, लेकिन मैं दूसरों को ही क्या कहूँ जब अपना ही सिक्का खोटा है। चिराग गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने अपने घर वालों से ऊपर होके तुमसे शादी की। तुम करते क्या हो? तुम कुछ नहीं करते ना चिराग, मेरी तो सरकारी नौकरी है, मैं इतनी गर्मी में धूप में बाहर काम करने जाती हूँ। चिराग जो पैसे तुम बर्बाद कर रहे हो ना वो मेरे खून पसीने की कमाई है, और तुम इन लड़कियों पे, इन्हें पार्लर करने के लिए 5 लाख रुपए दे रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं चिराग, ठीक है अब तुम इसी के साथ रहो, मैं अपने पापा के साथ जा रही हूँ। चलो पापा। माफ कर दो यार, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे पापा हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तुम निकलो अभी के अभी यहां से, तुम तो मेरा घर बर्बाद करने पर तुली थी, और आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखा देना। आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और पापा आप भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, अरे भैया हम तो उस रास्ते पे चले हुए इंसान हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उठवा, ये हमारी बेटी तू भी हमारा बेटा, अब जब तुम दोनों को रहना है जीवन साथ गुजारना, मुझे क्या ऐतराज और क्या मैं बुरा मानूंगा? अरे मेरे तो पैर ही खुद कब्र में लटक रहे हैं, कितने दिन की जिंदगी है मेरी।
सॉरी बाबा। आ जाओ। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ।